हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आलू के पराठे। इन पराठों की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो स्टफिंग है वो किनारों तक भरी हुई होगी। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होंगी और अंदर से एकदम मसालेदार। इनका जो मसाला है वो भी इतना टेस्टी है कि आपको काफी पसंद आएगा। इस वीडियो में दिए गए टिप्स और ट्रिक्स के साथ अगर आप आलू के पराठे बनाएंगे तो ये पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और हर बार आप इनको इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। तो चलिए इस टेस्टी और मसालेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले हम आटा गूंथ लेते हैं, तो उसके लिए मैंने लिया है ये 2 कप गेहूं का आटा। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, तो मैंने इसमें ये 1 छोटी चम्मच नमक डाल दिया। इसके अलावा मैंने 1 गिलास में ये गुनगुना पानी लिया है। तो अब हम आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारा डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो ये स्टफिंग को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से 4 से 5 मिनट तक गूंथ कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इतना सॉफ्ट होना चाहिए ये। और बस अब हम इसको ढककर 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। अब हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे, तो उसके लिए मैंने लिए हैं 4 से 5 उबले हुए आलू। इसे हम या तो पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे या फिर आप इसे फॉक से भी मैश कर सकते हैं। ये देखिए, जो आलू है वो अच्छे तरीके से उबला हुआ होना चाहिए। जब आप इसको इस तरीके से मैश करें तो देखिए इसके अंदर कोई भी टाइट वाला पार्ट ना हो। और अगर बाय चांस आपको लगता है कि आलू पूरी तरह से उबले नहीं हैं, उसका कोई भी टाइट पार्ट रह गया, तो आप उसको इस तरीके से ग्रेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टफिंग बनाएं तो उसमें आलू के बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो जो पराठे हैं वो परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो ये मैंने सारे आलू को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, इसे क्रश करके डालेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच आमचूर, तो 1 छोटी चम्मच मैंने आमचूर ऐड कर दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। इसी के साथ इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे फिर डालेंगे। फिर इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जिंजर और चिली का पेस्ट। इसके अलावा मैंने ये 2 प्याज ली थी, इनको एकदम बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और फिर इसमें डाल देंगे ये फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, तो इसमें खूब सारा ये हरा धनिया डाल देंगे। लास्ट में इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक को हमें सबसे लास्ट में ऐड करना है। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो पूरे आलू में मिक्स हो जाएं। यहाँ पर जो ये स्टफिंग है बहुत ज़्यादा पतली ना हो, जब आप आलू को बॉईल करें बस उसके 3/4 पोर्शन तक जो आलू है वो पूरा डूबा नहीं होना चाहिए पानी में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि पानी हमें ऊपर तक नहीं भरना है तभी हम उसको बॉईल करें, और जैसे ही आलू उबल जाए तो उन्हें पानी से बाहर निकाल लें। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि जो आलू है वो काफ़ी पानी वाले हो गए हैं, क्योंकि सीजन के हिसाब से आलू अलग अलग क्वालिटी का आता है, तो अगर आपको लग रहा है कि स्टफिंग काफ़ी पतली हो गई है तो आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें और फिर उसके बाद पराठे बनाएं। अब हम हाथों को चिकना कर लेंगे और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके ऐसे बॉल्स बना लेंगे। तो थोड़े से बड़े साइज के हमें ऐसे बॉल्स बना लेने हैं, तो जितने भी पराठे आप बना रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर इसके ये बॉल्स बना लें। दूसरी तरफ जो डो है उसने भी रेस्ट कर लिया है। अब हम इसे 1 बार 2 मिनट के लिए गूंथ लेंगे और फिर इसके पराठे बनाएंगे। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएंगे और उसको हाथ में इस तरीके से रोल कर लेंगे। जो लोई है वो हमें थोड़ी सी बड़ी रखनी है। अब हम इसे सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे और फिर इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो इसे हमें पूरी के साइज का बेल लेना है, पूरी बड़ी रोटी इसकी नहीं बनानी है, बस इसको हम पूरी के साइज से इस तरीके से बेल लेंगे। जो ज़्यादा प्रेशर है वो आप किनारों पर लगाएं। तो ये देखिए, इसे हमें थोड़ा सा थिक ऐसे बेल लेना है। अब हम एक बॉल को ले लेंगे और उसको इस तरीके से इसके बीच में रख देंगे। फिर इसे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसको धीरे धीरे घुमाते जाएंगे और इसका जो बाहर वाला पोर्शन है उसको अंदर ऐसे प्रेस करते जाएंगे। तो इसकी हमें एक पोटली जैसे बनानी है। तो ये देखिए, जो स्टफिंग है वो अंदर बंद हो जाए, इसे हम घुमाते जाएंगे तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा बढ़ता जाएगा और फिर हम इसको ऐसे घुमाकर तोड़ देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ऐसा भी ना हो कि आप इसे ज्यादा तोड़ दें और जो आलू की स्टफिंग है वो बाहर निकलने लगे। अब हम इसे घुमाकर हल्के हाथों से ऐसे बंद करेंगे और फिर इसको दोबारा से सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे।
तो ये देखिए जिस पोर्शन को हमने बंद किया था उसे हम नीचे रखेंगे। ये जो बंद वाला पार्ट था जहाँ से हमने एक्स्ट्रा आटा हटाया था उसको हम नीचे रखेंगे और अब इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। बहुत ज्यादा फोर्स हमें नहीं लगाना है, अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो जो स्टफिंग है वो बाहर निकल जाएगी। तो इसे हाथों से हम ऐसे घुमाते जाएंगे। अगर आप नए हैं कुकिंग के लिए तो फिर आप इसको उठाकर घुमाते जाएं। बीच में हम इसे थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे। इसे हमें हल्के हाथों से बेलना है। इस चीज का ध्यान रखें कि कहीं से मोटा या कहीं से पतला नहीं होना चाहिए, इसकी जो थिकनेस है वो सभी तरफ से यूनिफॉर्म हो। ऐसे जब हम बॉल बना के और फिर पराठे बनाते हैं तो जो स्टफिंग है वो सब तरफ अच्छे से इवनली स्प्रेड होती है। तो ये हमारा एक पराठा तैयार हो गया है। अब हम इसे सेक लेंगे। अब हम इसे केयरफुली उठाएंगे और ये देखिए जो ऊपर वाला पार्ट है वो ऊपर ही रहना चाहिए। इसे हम तवे पे रख देंगे। फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम टू हाई रखना है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं रखेंगे, मीडियम टू हाई रखें इसे। जब एक तरफ से सिक जाएगा तो फिर हम इसको पलट देंगे और इस पे घी या बटर लगा देंगे। 1 मिनट के बाद इसे फिर से पलट देंगे और दूसरी तरफ भी घी लगा देंगे। अब इसे फिर से पलट देंगे, इसे हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि सभी तरफ से इवनली सिक जाए। स्पैचुला से इसे इस तरीके से घुमाते जाएंगे और ये हमारा एक पराठा बनके तैयार है। इसी तरीके से हम अपने सारे पराठे बना लेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए हमें इस लोई को बस पूरी के साइज का बेल लेना है। किनारों से इसे थोड़ा सा पतला रखना है, बीच में हम इसे हल्का सा थिक रखेंगे। फिर इसको हाथ में ले लेंगे और इस पे एक बॉल रख देंगे और इसके किनारों को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसे हमें फिर ऐसे घुमाते जाना है और इसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ये देखिए इसको ऊपर ऐसे पोटली जैसे बना लेंगे और इस एक्स्ट्रा पोर्शन को हटा देंगे। तो जो एक्स्ट्रा आटा है वो हमें निकाल देना है, क्योंकि अगर हम ये एक्स्ट्रा आटा नहीं निकालेंगे तो ये कई बार इकट्ठा हो जाता है और जब पराठा बनता है तो आपको उसमें एक्स्ट्रा आटा फील होता है, तो जो पराठे वो ज्यादा टेस्टी नहीं लगते। तो इसलिए एक्स्ट्रा पोर्शन हमें निकाल देना है। जहां से हमने फोल्ड करके एक्स्ट्रा आटा निकाला था उसे हमें नीचे रखना है और दूसरे वाले पोर्शन को ऊपर रखना है। अब हम इसको डस्ट कर लेंगे। अब हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसे उठाते जाएं और इसको शिफ्ट करते जाएं। इसकी जो थिकनेस है वो सभी तरफ से यूनिफॉर्म होनी चाहिए। बीच में आप इसको थोड़ा थोड़ा डस्ट कर सकते हैं ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। इसी तरीके से हम सारे पराठों को सेक के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार आलू के पराठे इस तरीके से जरूर से बना के देखें, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखिए जो इसकी स्टफिंग है ये किनारों तक पूरी अच्छी तरह से फैल गई है, जो ये आलू के पराठे हैं एकदम आलू से भरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप भी एक बार आलू के पराठे को इस तरीके से जरूर से बनाएं। आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।